हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। साल 2018 बॉलीवुड स्टार्स के लिए बेहद ही शानदार रहा है। इस साल बॉलीवुड एक्टर्स एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आए हैं। जहां इस साल जनता को सोशल मैसेज देने वाली फिल्म देखने को मिली, वहीं इस बार कुछ एक्टर्स ऐसी फिल्में भी लेकर आए हैं जिन पर जनता खुलकर बात नहीं करती है। वहीं चलिए दिखाते हैं आपको आखिर इस साल कौन से वो बेस्ट एक्टर्स हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार साल 2018 के असली बॉक्स ऑफिस किंग हैं। अक्षय इस साल तीन बड़ी फिल्में लेकर आए और तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। पैडमैन, गोल्ड और 2.0 जैसी फिल्मों ने अक्षय को इस साल के टॉप एक्टर की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। रणबीर कपूर। इस साल संजय दत्त बनकर रणवीर ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि अपनी एक्टिंग के जरिए भी हर किसी को ये साबित करके दिखा दिया कि एक्टिंग के मामले में वो सबके बाप हैं। बता दें कि संजय इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। रणवीर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी बनकर हर किसी को डराने वाले रणवीर ने फिल्म में बेहद ही शानदार काम किया था। हर किसी ने रणवीर सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के रोल में खूब पसंद किया था। तमाम विवाद में फंसने के बाद भी इस फिल्म ने रणवीर सिंह के करियर में चार चांद लगा दिए। राजकुमार राव। बॉलीवुड का ये एक्टर अपनी एक्टिंग से तो कई बार सबका दिल जीत चुका है, लेकिन इस साल स्त्री जैसी जबरदस्त फिल्म करके राजकुमार राव ने कॉमर्शियल एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान इस साल दो ऐसी फिल्म लेकर आए जो फैंस को बेहद ही पसंद आई। बता दें कि अंधाधुन और बधाई हो दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। टाइगर श्रॉफ। बागी 2 इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म से टाइगर ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब हर किसी ने बस एक ही बात बोली थी कि टाइगर ने फिल्म में एकदम हॉलीवुड फिल्मों की तरह एक्शन किया है। साथ ही इस फिल्म के जरिए टाइगर ने न्यू जनरेशन के बेस्ट एक्शन स्टार भी बन गए हैं। अजय देवगन। बॉलीवुड का सिंघम जब जब बॉक्स ऑफिस पर आता है तो भूचाल ले आता है। इस साल अजय रेड जैसी जबरदस्त फिल्म लेकर आए थे। उसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। फिल्म में अजय के डायलॉग्स और गानों की जमकर चर्चाएं हुई थी। इसके अलावा इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस लिस्ट में और किन किन एक्टर्स को होना चाहिए था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।